Good morning, friends. May Dr. V.K. Mishra from Gastro Liver Hospital, Swarupnagar, Kanpur. At the outset, a request. This is a scientific channel. This is a scientific deliberation. I want to subscribe to this channel and share this video. Today, I will talk about intermittent fasting. 10 evidence based health benefits. आज मैं बिल्कुल scientific analyze करके आपको बताऊंगा कि जो intermittent fasting है वो आपकी health को वास्तव में कैसे मदद करती है. पहले तो समझने की कोशिश करिए वास्तव में कि intermittent fasting क्या है. ये वास्तव में एक cycle है जिसमें आप कुछ समय खाना खाते हैं इन कुछ समय fast रहते हैं. It's basically a cycle between eating and fasting. इसके जो साइकिल हैं साइकिल के डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं. आप 16 घंटे का फास्ट रख सकते हैं 8 घंटे खाना खा सकते हैं. आप 12 घंटे का फास्ट रख सकते हैं 12 घंटे खाना खा सकते हैं. आप अल्टरनेट डेज फास्ट रख सकते हैं. आप 5 and 2 मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं. ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं वट एवर इज सूटेबल टू यू. नाउ साइंटिफिक स्टडीज का जहां तक सवाल है बहुत सारी स्टडीज ने ऐसा बोला कि जहां तक बॉडी एंड ब्रेन का सवाल है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है इसने बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट हमेशा दिखाए हैं. आज मैं बात करूंगा 10 डिफरेंट एविडेंस बेस्ड बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग. जो पार्ट वन है पार्ट वन में मैं बात करूंगा कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसका हमारे फंक्शन ऑफ द सेल्स जीन्स एंड हार्मोन्स उन पर क्या फर्क पड़ता है. जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसका वेट लॉस एंड बेली फैट पर क्या फर्क पड़ता है. जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड रिस्क ऑफ डायबिटीज 2 या डायबिटीज मेलाइटस उस पर क्या फर्क पड़ता है. मैं बात करूंगा कि इसका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेशन पर क्या फर्क पड़ता है. एंड मैं बात करूंगा कि ये सेलुलर जो रिपेयर है इसमें क्या फर्क डालता है. हम बाद में किसी वीडियो में बात करेंगे पार्ट टू पर जिसमें हम बात करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपके हार्ट की हेल्थ कैंसर आपका ब्रेन आपके अल्जाइमर्स डिजीज की रिस्क एंड आपका लाइफ स्पान या लॉन्गेविटी के आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा इसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले पार्ट वन पे हम बात करेंगे. नाउ लुक एट द बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग. नाउ अगर हम बात करें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपकी सेल्स आपकी जीन्स और आपकी हार्मोन्स में क्या फर्क पड़ता है ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इशू है. जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं वो बहुत सारे होते हैं अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो. साइंस ऐसा मानती है कि आप अगर लंबे समय फास्ट रहते हैं तो बॉडी बहुत सारे रिपेयरिंग की जो प्रोसेस है उन्हें इनिशिएट करती है. सेल में रिपेयर की प्रोसेस इनिशिएट हो जाती है. आपके जो हार्मोन्स के लेवल हैं हेल्दी वो चेंज होने लगते हैं. इन वास्तव में चेंज उस तरह के होते हैं कि आपका जो स्टोर्ड फैट होता है बॉडी में वो ज्यादा एक्सेसिबल होता है वो ज्यादा मोबिलाइज होता है एंड वो ज्यादा मेटाबोलाइज होने लगता है तो फैट का जो वॉल्यूम है आपकी बॉडी में कम होने लगता है. ना जहां तक इंसुलिन के लेवल का सवाल है साइंस ऐसा मानती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका जो इंसुलिन का लेवल है वो ड्रॉप होता है. इंसुलिन का लेवल अगर ड्रॉप होगा तो आपकी जो फैट की जो बर्निंग है वो फैसिलिटेट होगी एंड वो बर्निंग ज्यादा होगी. द सेकंड वन इज द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. इंटरमिटेंट फास्टिंग का जहां तक सवाल है साइंटिफिक स्टडीज ऐसा कहती हैं कि आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जो लेवल है वो 5 गुना बढ़ जाता है. ये जो 5 गुना बढ़ा हुआ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वास्तव में आपकी जो फैट की बर्निंग है और आपका जो मसल मास के बढ़ने की जो एक कैपेबिलिटी है उसको हमेशा बढ़ा के चलता है. इसका मतलब है कि फैट बर्न होगा और मसल गेन होगी. नो जहां तक सेलुलर रिपेयर का सवाल है साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑब्जर्व करते हैं तो वास्तव में इसके दौरान आपकी जो सेलुलर प्रोसेस है या सेलुलर रिपेयर की प्रोसेस है वो काफी एक्टिवेट हो जाती है. इन जो आपके सेल्स के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है वो रिमूव होकर बाहर हो जाता है. इन सेल्स आपकी बहुत हेल्दी एंड क्लीन हो जाती हैं. जहां तक जीन एक्सप्रेशन का सवाल है साइंस ने ऐसा माना कि एज फार एज लॉन्गेविटी इज कंसर्न जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू क्योंकि ये जीन एक्सप्रेशन में आपको हेल्प करती है. नाउ क्वेश्चन इसके अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑब्जर्व करते हैं या आप उसको फॉलो करते हैं तो क्या आपकी बॉडी का वेट कम होगा. क्या आपका जो बेली फैट है या पेट के ऊपर जो फैट जमा है या तोन जमा है वो कम होगी. इसको जरा समझने की जरूरत है. ये बात तो सही है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आप जो खाना है वो वास्तव में कम खाते हैं. अगर कम खाते हैं तो आपका कैलोरी का जो इनटेक है वो कम हो जाता है. तो अनलेस के दूसरे मील में आप कंपनसेट करें और बहुत हाई कैलोरी बहुत ज्यादा मात्रा का खाना खाएं अगर ये सब नहीं करें तो वास्तव में
आपका जो कैलोरी इनपुट है इन 24 आवर्स वो नॉर्मल से कम हो जाता है, तो आपका बॉडी का जो वेट कम होना है दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, दैट विल एब्सोल्युटली बी देयर। नो, साइंस ऐसा भी मानती है कि अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स एनहांस हो जाते हैं जो वास्तव में वेट लॉस को फैसिलिटेट करते हैं। जो हार्मोन्स जो चेंज होते हैं उनको ध्यान से देखिए, आपके इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है, आपका जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाता है, आपका जो नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल है ये बढ़ जाता है। ये तीनों की तीनों जो चेंजेस हैं ये वास्तव में आपका जो बॉडी का फैट है उसको मेटाबोलाइज ज्यादा करते हैं, इन उसको मेटाबोलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और आपकी बॉडी का फैट ओवरऑल कम होने लगता है। नाउ साइंस ने ऐसा भी माना कि आपकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो बाय एंड लार्ज 3-14% बढ़ जाती है अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो दोनों तरह से आपको मदद करती है, ये आपकी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है और आपके बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ फूड एंड जो आप ईट करते हैं या खाते हैं उसको कम करती है। तो दोनों चीजें चूंकि हो जाती हैं तो आपकी बॉडी का फैट कम होने लगता है, आपकी बॉडी का वेट नीचे आने लगता है, बट यू डोंट लूज द मसल्स। नाउ अगर हम एक रिव्यू को देखें विच वॉज पब्लिश्ड इन 2014, इट वॉज अ साइंटिफिक लिटरेचर एंड काफी लंबी स्टडी थी ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग। नाउ इसका क्या रिजल्ट था? इसका रिजल्ट ये था कि जो वेट लॉस है 3-24 weeks, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 6 months टाइम, द पीपल लॉस्ट अराउंड 8% वेट। इसका मतलब है कि अगर आपका 100 किलो वजन है, आप रेगुलरली इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो 6 महीने के टाइम में साइंस ऐसा मानती है दैट अप्रोक्सीमेटली आपका 8 किलो वजन कम हो जाएगा अगर आप उसको रेगुलरली रिलीजियसली फॉलो करते हैं। तो साइंस ने ऐसा भी ऑब्जर्व किया कि इन द सेम ड्यूरेशन अगर आपका जो वेस्ट सर्कमफेरेंस नापा जाए या जो पेट की जो चारों तरफ है उसको नापा जाए तो इसमें रिडक्शन होता है अप्रोक्सीमेटली 4-7%। साइंस ऐसा मानती है कि ये इस चीज का इंडिकेशन है कि आपकी जो बॉडी के अंदर जो फैट है, जो पेट के अंदर डिपॉजिट है, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो कम होने लगता है। नाउ जो बॉडी में जो बेली फैट है, बेली फैट इज वन ऑफ दोस फैट्स व्हिच इज द मोस्ट नोटोरियस फैट। साइंस ऐसा मानती है कि बेली फैट या पेट के अंदर का जो फैट है वो इस चीज का इंडिकेशन है कि ये वास्तव में बड़ी बीमारियों को जन्म देने की ताकत रखता है। ये भी बात सही है कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है इन कंपैरिजन टू कंटिन्यूअस फास्ट जो मसल लॉस है उसको मिनिमाइज करती है। जो मसल लॉस है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग में लगभग मिनिमाइज होता है एंड बहुत ज्यादा मसल लॉस नहीं होता है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज का जो रिस्क है उसमें कितना फर्क पड़ता है। आप जानते हैं कि जहां तक डायबिटीज का सवाल है, इट इज रिलेटेड टू ब्लड शुगर। जो डायबिटीज है वास्तव में इस चीज से जुड़ी हुई है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो वास्तव में आपका जो बॉडी का ब्लड शुगर का लेवल है ये ऊपर की तरफ जाएगा। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो इंटरमिटेंट जो फास्टिंग है देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स एज फार एज द इंसुलिन रेजिस्टेंस इज कंसर्न। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो नीचे की तरफ आता है। जो ह्यूमन स्टडीज को अगर हम देखें तो वो कहती हैं कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑब्जर्व करते हैं तो आपकी ब्लड शुगर का लेवल ऑफ द फास्टिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 3-6% कम हो जाता है। अगर आप फास्टिंग इंसुलिन को मेजर करें तो साइंस ऐसा मानती है कि आपका फास्टिंग इंसुलिन का जो लेवल है वो 20-30% कम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जो फास्टिंग इंसुलिन है आफ्टर रेगुलर इंटरमिटेंट फास्टिंग approximately 25% रिडक्शन हो जाता है इन द फास्टिंग इंसुलिन लेवल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये जो एक स्टडी थी विच वॉज कंडक्टेड ऑन डायबिटिक रेट्स चूहों पर की गई थी एंड इट वॉज फाउंड कि इनका जो किडनी डैमेज है बिकॉज ऑफ द डायबिटीज वॉज मच लेस। आप जानते हैं कि जो डायबिटीज है इसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये किडनी है जो इन्वॉल्व होती है, तो इंटरमिटेंट जो फास्टिंग है वो किडनी के डैमेज को रोकने में इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल। मुझे लगता है कि इसे आपको समझना चाहिए। नाउ अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि द पीपल हु आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज मेलाइटस उनको जो एक प्रोटेक्शन का लेवल है वो काफी ज्यादा होता है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हैं एंड आप रिस्क में हैं कि कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं हो जाएगी तो डायबिटीज के होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। नो, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो आपके बॉडी के अंदर की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन ये दोनों चीजों को कम करती है। ये साइंटिफिकली आपको समझने की जरूरत है। जहां तक
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का सवाल है, यही इस चीज के लिए जिम्मेदार है कि आपकी एजिंग कैसी होगी, आपको क्रॉनिक डिजीजेस कैसी आएंगी। आपने कई बार मार्क किया होगा कि बहुत लोग ऐसे हैं कि इनकी उम्र तो अभी 40 साल है लेकिन इनकी उम्र तो 60 जैसी दिखाई देती है, या बहुत लोग आप ऐसा महसूस करेंगे कि ये तो 70 साल के हैं लेकिन इतने यंग दिखाई देते हैं कि तो 40 साल के दिखाई देते हैं। आपकी जो एजिंग प्रोसेस है वास्तव में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डिटरमाइन करती है कि आपका अपीयरेंस एजिंग के चलते कैसा होगा। जो बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस हैं या क्रॉनिक डिजनरेटिव डिजीजेस हैं वो भी वास्तव में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डिटरमाइन होती हैं। नौ, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वास्तव में हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं लाइक प्रोटीन है, डीएनए है, उनसे रिएक्ट करते हैं, और ये इससे रिएक्ट करते हैं तो उसे डैमेज करते हैं, उसे डैमेज करते हैं तो आपकी जो एजिंग की प्रोसेस है उसको एनहांस करते हैं। साइंस ने ऐसा माना, बहुत सारी स्टडीज ने इंडिकेट किया कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑब्जर्व करते हैं तो आपके बॉडी का जो रेजिस्टेंस है फॉर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो काफी ऊपर चला जाता है और ये स्ट्रेस आपकी कम हो जाती है। ऐसे ही इंटरमिटेंट फास्टिंग के चलते आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो कम हो जाते हैं, और चूंकि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम होंगे तो जो कॉमन डिजनरेटिव डिजीजेज हैं उनके होने की संभावना हमेशा कम हो जाती है। नौ, जहां तक इंटरमिटेंट फास्टिंग का सवाल है, साइंस ऐसा भी मानती है कि बहुत सारे सेलुलर रिपेयर के जो मैकेनिज्म हैं वो कंडक्ट करती है। जब आप नहीं कुछ खाते हैं तो आपकी जो बॉडी है आपकी सेल्स को रिपेयर करने में लग जाती है। साइंस ऐसा मानती है कि आपकी बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनमें लगातार मेटाबॉलिज्म के चलते वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता रहता है, और यह भी सही बात है कि आपका घर है उसमें लगातार आप रहते हैं, कुछ चलते रहता है तो वेस्ट मटेरियल तो इकट्ठा होता है, उसको आपको रोज सफाई की जरूरत पड़ती है। साइंस ऐसा मानती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आपकी जो बॉडी है वास्तव में वेस्ट रिमूवल को काम में आने लगती है, इसे कहते हैं ऑटोफेजी। जब भी आपकी सेल्स चीजों को ब्रोक डाउन करती है तो बहुत सारे मेटाबॉलिक जो चीजें इकट्ठी होती हैं इस ऑटोफेजी में वास्तव में वो खत्म हो जाती हैं। साइंस ऐसा मानती है कि ये जो एक्शन है इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये वास्तव में आपको कैंसर्स और अल्जाइमर जैसे जो डिजीज हैं जो ब्रेन की हैं उनसे बचने में आपको काफी मदद करती है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग का जहां तक सवाल है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ आदत की बात नहीं है, इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ रिलीजियस नहीं है, इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ वजन कम करने की विधि नहीं है, इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ आपको अच्छा दिखने की विधि नहीं है, एंड ये कोई सोशल स्टेटस नहीं है। वास्तव में इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली इज अ साइंटिफिक वे ऑफ अचीविंग अ हेल्दी बॉडी। जहां तक इंटरमिटेंट फास्टिंग का सवाल है देयर आर एन नंबर ऑफ साइंटिफिक स्टडीज जिनने बोला कि हार्मोन्स चेंज करती है, ये वास्तव में सेलुलर प्रोसेस को चेंज करती है, ये आपके जीन के एक्सप्रेशन को चेंज करती है, ये आपके वास्तव में लॉन्गविटी को बढ़ाती है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस ऐसे करती है जिससे आपकी एजिंग की जो प्रोसेस है ये स्टेबलाइज होती है या वास्तव में स्लो होती है। मेरा ऐसा सोचना है कि जहां तक इंटरमिटेंट फास्टिंग का यह मुद्दा है इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, बिकॉज इसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य हैं कि जो आपको यह बेनिफिट लेके चलेगी। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को समझने में ऐसा मानते हैं कि इस वीडियो ने आपको कुछ हेल्प की है तो इसको जरूर शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।